पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था धारा मापी से अमीटर कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धारा मापी से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धारा मापी से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। धारा मापी, अब बताएं पहली बात कि धारा मापी जब जो किसी परिपथ में धारा को मापता है तो इसे अमीटर कहते हैं, जब किसी परिपथ में विभवांतर को मापता है तो इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो धारा मापी से वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, यही बात हमको इस वीडियो में समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा मापी जो वोल्ट मीटर विभवांतर को नापना है तो उसमें प्रतिरोध का मान अधिक होना चाहिए। अर्थात हमने मान लीजिए कि यह बनाया कौन, धारा मापी, यह धारा मापी है। इस धारा मापी से किसी परिपथ का विभवांतर नापना है तो इसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा जो कम होगी इसके हिसाब से हम विभवांतर को आसानी से माप लेंगे। तो करते क्या है, गैल्वेनोमीटर का जो मान लीजिए जो होगा प्रतिरोध, इसके अगर इसका प्रतिरोध बढ़ाना है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि धारा मापी से अमीटर बनाते हैं तो प्रतिरोध के मान घटाते हैं जिसे समांतर क्रम में लगाते हैं। तो सेम उसका उल्टा करेंगे वोल्ट मीटर में, समय इस गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे जिससे इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब इससे आसानी से किसी भी परिपथ में विभवांतर को माप लेंगे, जिसे कहते हैं धारा मापी से वोल्ट मीटर में बदलना। तो धारा मापी से वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, धारा मापी से वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आपको धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ना है जिससे कि धारा मापी का प्रतिरोध पहले से बढ़ जाए, जिससे किसी परिपथ में विभवांतर को नाप सकते हैं आप। तो क्या करेंगे, धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाते समय धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे जिससे धारा मापी से वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है कैसे। हमने मान लिया कि यह एक धारा मापी है, इस धारा मापी का यह गैल्वेनोमीटर है, सॉरी हमने बनाया यह धारा मापी, इस धारा मापी का यह हो गया गैल्वेनोमीटर, इस धारा मापी का प्रतिरोध, इसी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर का तार जोड़ दिया। जैसे अब हमने धारा भेजा इसमें आई धारा भेजा, इसमें भी धारा कितनी जाएगी आई जी, और इसमें भी धारा वही जाएगी, इसमें मान लीजिए जितनी धारा जाएगी उसमें इतनी जाएगी, इसमें उसमें भी इतनी जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, विभवांतर का मान अलग अलग होता है। अर्थात यह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध मान लें हम कैपिटल आर डैश है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध को जोड़ने के लिए बताएं आर वन प्लस आर टू, तो तुल्य प्रतिरोध जोड़े तो R1 की जगह हमारा क्या है कैपिटल G है और R2 की जगह कैपिटल R है। तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल G प्लस R। अच्छा धारा कुल कितनी है I, अब विभवांतर मान लीजिए कितना V है, तो विभवांतर V बराबर I, इसमें मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में धारा जितनी गई आई सफिक्स जी वही धारा इसमें भी जाएगी, आई जी गुड़े जी प्लस आर। अच्छा अब आई जी को इधर पक्षांतर करें तो भी बटे आई सफिक्स जी हो जाएगा या जी प्लस आर। तो हमें अगर पता करना हो कि इसमें कितने प्रतिरोध कितने ओम का तार लगाना है प्रतिरोध का, तो हमें R बराबर आने तो G को इधर पक्षांतर करें तो V बटे आई सफिक्स G माइनस कैपिटल G बराबर यह R। इस प्रकार से हमें R का सूत्र मिल गया R बराबर V बटे आई सफिक्स G माइनस G। यही हमें सिद्ध करना था। यह हो गया हमारा धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाते समय हमें क्या करना चाहिए। धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाते समय हमें करना क्या है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ना है जिससे धारा मापी का प्रतिरोध अधिक हो जाए और जिससे यह विभवांतर नापने में आसानी हो।
तो इसमें करना क्या है, विभवांतर में धारा मापी क्या समान श्रेणी क्रम में जोड़े हैं जो प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध को जोड़े हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है आर डैश बराबर जी प्लस आर, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध आर वन प्लस आर टू होता है, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। इस प्रकार से कुल धारा मान लीजिए आई है, इसमें गई धारा आई जी, वही धारा इसमें भी जाएगी, अर्थात यह हुआ कि विभवांतर भी बराबर आई जी गुणे जी प्लस आर तुल्य प्रतिरोध। तो भी बटे आई जी को इधर पक्षांतर कर दिए तो भी बटे आई जी बराबर कैपिटल जी प्लस आर। अब आई जी को इधर जी को इधर लेकर आए तो भी बटे आई जी माइनस कैपिटल जी बराबर आर, इस तरह आर बराबर भी बटे आई जी माइनस कैपिटल जी। यह है हमारा धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाते समय उच्च प्रतिरोध को ज्ञात करना। इस तरह से हमने धारा मापी से वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर दिया।